हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी आज का हमारा एक टॉपिक है आईपीओ। एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या है, क्योंकि ये हमारे और आपके हर एक लोग के से लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, हर घर में कोई एक तो होगा ही जो एलआईसी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा होगा। तो आप देखते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्या है ये टॉपिक। जैसे कि इसमें देखिए, पहले तो एक कंसर्न हो रही है कि क्या, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या चिंता की बात हो रही है, कि क्या जो एलआईसी की पॉलिसी ले रखे हैं क्या उनके लिए कंसर्न की बात है, और इसके इन्वेस्टर्स और उसके आईपीओ किस तरीके से इसका लॉन्च किया जाएगा, इसमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है क्या एलआईसी का, इन सब चीज़ों में क्या एलआईसी को सरकार बेच रही है। हम इस पर सारे पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। तो ये देखते हैं ना, एलआईसी से कोई छोटी कंपनी नहीं है। एलआईसी द सबसे ओल्डेस्ट ओल्ड नहीं सबसे ओल्डेस्ट नहीं कर सकते, एलआईसी ओल्डेस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की। अगर हम इसकी मार्केट शेयर की बात करें ना, तो आप एग्जाम्पल जैसे रिलायंस की कंपनी है ना, रिलायंस कंपनी की जितनी मार्केट शेयर उसकी 3 गुनी ज़्यादा इस कंपनी की है। इतनी ज़्यादा 32 लाख करोड़ रुपए, मतलब इसी कंपनी की इतनी ज़्यादा एसेट्स इसके पास हैं। तो और आपने देखा होगा न्यूज़ में, वैसे भी सुन रखा, बड़े बड़े और कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है एलआईसी ने। जैसे कोई भी कंपनी अगर कोई बैंकरप्ट होती है, किसी भी कंपनी का मतलब बैंक अगर देखा होगा, बैंक को प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट कहती है कि एलआईसी वहां पे उसमें इन्वेस्ट करे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है। तो अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये सबसे बड़ी इसमें इंडिया की लार्जेस्ट है। और गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है ना, ऐसे नहीं कर सकती गवर्नमेंट रेगुलरली, इसमें सिस्टमेटिक तरीके से अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 10% जो है वो आईपीओ रिलीज करेगी इसका। अगर हम टोटल जैसे बात करें कि तो ये 24.41 ट्रिलियन में है, और क्लेम्स होते हैं इसका सबसे सेटल किया है 99.92%। और मार्केट शेयर है जितने और बाकी शेयर्स की हम बात करें जो कंपनियां और भी हैं, तो देखिए एलआईसी है, उसकी एचडीएफसी लाइफ, ये सब चीज़ें, लेकिन जो ये है एलआईसी, उसका मार्केट शेयर जो 71% है, और प्रीमियम से 74% है इसका मार्केट शेयर। अगर इसमें देखिए, अभी जो हमारा जो लास्ट बजट पेश किया गया, गवर्नमेंट ने बजट पेश किया गया, उसमें बीमा विधेयक बिल लाया गवर्नमेंट ने, उसमें वो सिस्टमेटिक तरीके से फिर जाके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा एलआईसी ने एक ऐसे रेगुलर एलआईसी जो है ऐसे रिलोट नहीं होता है। एलआईसी के एक एक्ट है, एलआईसी एक्ट 1956। जैसे कि एलआईसी तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, अगर हम बात करें कि किस तरीके से गवर्नमेंट किसी कंपनी को बेचती है, तो दो तरीके होते हैं। या तो गवर्नमेंट जो है उसका प्राइवेटाइजेशन कर दे, उसको बेच दे किसी कंपनी को, जैसे एयर इंडिया को बेच रही है, और एक तो तरीका होता है उसका आईपीओ ले आए, वो शेयर मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में शेयर की वैल्यू रख दे कि हाँ हम 10% इसकी वैल्यू रख रहे हैं, हम इसको 20,000 शेयर्स में इसको इतना डिवाइड कर देंगे, फिर हर एक शेयर की वैल्यू होगी, फिर उसको कोई भी खरीद सकता है इन्वेस्टर से स्टॉक मार्केट में, तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ेगी जिस तरीके से जितने ज़्यादा उसमें लोग खरीदेंगे। तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको इसलिए कहा कि हम जो है अभी 10% स्टेक्स रख रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा हुआ है। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस बार का जो 18 मार्च को जो लोकसभा में इस पर बिल पेश किया। और अगर हम बात करें कि एलआईसी का, तो एलआईसी समझ लीजिए ये पहले जो है 1947 के बाद जो है एक बॉम्बे ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने मतलब इस पे कहा कि हम जो है पहले क्या होता है, इसमें बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां थी, अप्रोक्सीमेट मतलब 250 से 300 कंपनियां इंश्योरेंस कंपनियां थी। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वहां पे करप्शन क्या, किस तरीके से प्रीमियम्स ले रहे आते थे, उसके बाद कंपनी का पता नहीं। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बिल लेके आई, तो 1 सितंबर 1956 को एलआईसी का गठन किया गया। और वो छोटी छोटी कितनी कंपनियां, तो 245 इन उस कंपनियों को लेके एलआईसी का फिर वहां पे 5 करोड़ रुपए के साथ वैल्यूएशन के साथ इस कंपनी को स्टार्ट किया गया, एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी। और आज जाके इसकी वैल्यू कितनी है, 32 लाख करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कितनी मतलब एलआईसी का इम्प्रूवमेंट था। हर साल ये कंपनी, कोई भी पैंडेमिक था उसमें भी इन्होंने ग्रोथ देखा, हर साल 6 से 8% 9% इसका ग्रोथ होता है एलआईसी का रेगुलरली, आप एवरेज देखें 1956 के बाद से। और इसका ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम किया जा रहा है कि एलआईसी का इन्वेस्टमेंट, अभी आईपीओ इसका प्राइवेटाइजेशन के लिए अभी गवर्नमेंट इस पर कुछ ध्यान दे रही है, नहीं। एलआईसी का देखिए 1990s के दशक में, उसके लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी की जब जी की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम भी गवर्नमेंट ने एलआईसी को कहा था कि बट न्यू इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कुछ रूल्स जो हैं स्मूथन किए, तो बहुत सारी और प्राइवेट कंपनियाँ आई और बाकी फॉरेन कंपनियां आई, तो बट वहां पे कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एलआईसी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा उससे। एलआईसी का जो मार्केट शेयर है तो बहुत मतलब एलआईसी छोटी को इम्पैक्ट कोई भी मतलब इसका नहीं पड़ा उन्होंने।
तो बट ये आईपीओ में मैटर डाल सकता है। और अगर हमें बात करें कि वैल्यू, तो आप दिख रहे हैं जैसे इस कितनी ज्यादा है इसकी वैल्यू, और 19-20 में अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर ही इन्होंने सिर्फ 6 लाख करोड़ रुपए की आमदनी की। और अगर शुद्ध लाभ की बात करें तो 2713 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ। तो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट को पैंडेमिक में कितना नुकसान, गवर्नमेंट बेचना चाह रही है, प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है, कहाँ से इतना ज्यादा आएगा। तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत ही अच्छा मतलब ये इन्वेस्टमेंट है कि हाँ इसको यहाँ पे हम सेल करें और इस पे टारगेट रखें। अगर हम बात करें तो ये LIC इसका IPO कब आने वाला है, तो ये अभी तक का जैसे एक्सपेक्टेड है कि थर्ड क्वार्टर में आएगा ये हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर में। और जो अभी मतलब आप अगर इस जो अप्रैल से चल रहा है ये फाइनेंशियल, इसी में 10% का IPO साइज रखा हुआ है। गवर्नमेंट चाहती है कि 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपए जो है हम इससे, इस 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपए का टारगेट गवर्नमेंट ने बना रखा है। और गवर्नमेंट का इसी टारगेट 50-60% जितना प्राइवेटाइजेशन का है इस फाइनेंशियल ईयर का, वो इसी से पूरा करना चाह रही है। अभी देखिए और गवर्नमेंट ये 30 करोड़ पॉलिसी अक्रॉस द कंट्री है इसकी, LIC करंटली सर्विस है। आप समझ सकते हैं यूपी और महाराष्ट्र की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इनके इनके पॉलिसी होल्डर्स हैं, इससे ज़्यादा स्मूथ सेलिंग इस, ये समझ सकते हैं। पैंडेमिक में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस पर, इन्होंने कोई भी इम्पैक्ट ज़्यादा इस पर नहीं मिला इस कंपनी पर पड़ा। तो LIC अमेंडमेंट जो है अब इस पर हो गया है इसके फाइनेंशियल ईयर का। अब इसमें और भी बहुत ज़्यादा चेंज करने पड़ेंगे। अब जैसे अभी हमने बात की कि LIC एक्ट 1956 से इसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उस, ये इसको रेगुलेट करती है। अगर हम उसके फैट्स की बात करें ना, तो आप देखिए इतने प्रीमियम्स 3,79,400 करोड़ रुपए। अब आप समझ सकते हैं कनाडा की इक्विवेलेंट जितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो इतनी है, 3,70,000 करोड़। और एक फैक्ट की और बात, भारत में 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है, तब ये हाल है। अभी इससे ज़्यादा पूरे अगर होंगे तो क्या कितना होगा अमाउंट। और अगर नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 21-22 मिलियन के लगभग है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, इतनी इंश्योरेंस कंपनी जो है और ये जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं जितनी पॉलिसीज के, इनकी 3 गुना ज़्यादा है। और नंबर ऑफ एजेंट्स देख रहे हैं 12 लाख से ज़्यादा नंबर ऑफ एजेंट्स हैं LIC के। तो इस पे बहुत सारे यूनियन जो है ना इस पे सवाल, इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो प्राइवेटाइजेशन का है, गवर्नमेंट जो एजेंट्स इसके इंश्योरेंस यूनियंस के क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है अब ये फर्स्ट स्टेप ले रही है, अभी वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है लेकिन गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन फर्स्ट स्टेप है, इसलिए हम इसको अपोज कर रहे हैं। आगे चल के गवर्नमेंट इसको और भी चेंजेस कर सकती है, क्योंकि अभी एक पॉइंट और है। पहले क्या था इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट जो ने रूल था कि FDI सेक्टर से कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, 74% इन्वेस्टमेंट आ सकती है। बट गवर्नमेंट ने अब क्या किया, अब चेंजेस कर दिए कि वहां पे 49% इन्वेस्टमेंट आ सकती है। मतलब किसी भी LIC कंपनी का जो ओनर हो सकता है वो कोई फॉरनर हो सकता है, तो अब इस पे कोई LIC कंपनी खरीद सकता है। तो इस पे ये इस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं इस पे, इसलिए इसका अपोज भी किया जा रहा है। और इस पे हड़ताल पे भी किए हैं LIC के जो एम्प्लॉयज हैं और यहाँ पे इंश्योरेंस यूनियंस के जो पर्सन हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये 12 लाख प्लस नंबर ऑफ एजेंट्स है, मॉरिशस का पॉपुलेशन ही 12 लाख के हैं, इतने तो हमारे एजेंट्स हैं LIC के। और टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 29,19,478 करोड़ रुपए हैं। और इसमें अगर कंपेरिजन की बात करें तो ये सब कंपनी आप देख रहे हैं टोटल म्यूचुअल फंड कंपनी जितनी होती हैं उनकी इन्वेस्टमेंट है, टोटल म्यूचुअल फंड जितनी म्यूचुअल फंड्स की कंपनियां होती हैं वो सारी टोटल कर लो उनका ऐड, ये सब इनके तब भी से ज़्यादा हो रहा है। और ब्रांचेस की बात करें तो 6,500 ब्रांचेज हैं LIC की, और इंडिया के लार्जेस्ट हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो HDFC की, तो वो भी सिर्फ 5,416 ब्रांचेज हैं, बट इसके 6,500 ब्रांचेज हैं। आप समझ सकते हैं, देखिए एक क्वेश्चन पे और भी हो रहा है ना कि गवर्नमेंट इस पे अब स्टेप ले रही है ना, कि अभी तो गवर्नमेंट सीधा प्राइवेटाइजेशन सेल की बात बहुत ज्यादा कर रही है, तो इसलिए लोग के अंदर मतलब इस बात का डर है कि अभी जो गवर्नमेंट 10% कर रही है तो आगे चल के फ्यूचर में चल के क्या करेगी, और चेंजेस कर सकती है, 10% 20% से बढ़ा सकती है। तो इसी पे ये क्वेश्चन इस पे कंसर्न कर रहे हैं। अब अगर हम LIC की परफॉर्मेंस की बात करें तो पैंडेमिक में भी, कोरोना से मान लीजिए COVID-19 के पैंडेमिक में भी, ये इनका 16.7% पॉलिसी फर्स्ट ईयर प्राइम, और इसके बाद 70% जो है रिस्पेक्टिव पीरियड में सितंबर तक इनका ऐड हुआ है, और 42 लाख क्लेम इन्होंने तब भी रजिस्टर किए हैं। और ऐसे LIC का वर्क करने की बात करें ना, तो LIC आप देखते हैं जैसे ये स्टॉक मार्केट में भी इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 55,000 से 65,000 के बीच में इनका इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी आप देख रहे हैं 3,76,000 करोड़ रुपये सिर्फ 2018 में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और आप अभी बात करें तो
तो आपने भी कुछ भी सुना होगा, आईडीबीआई बैंक है जो, वो भी बैंकरप्सी के लिए उन्होंने फाइल किया, तो उस आईडीबीआई बैंक में भी इन्वेस्टमेंट था इनका, और ओएनजीसी कंपनी, ये सब कंपनी में इन्वेस्टमेंट था, जो गवर्नमेंट बाद में कहती है कि हाँ ये लॉस में जा रही है, अब इनको हम इनको सेल करेंगे, तो बाद में एसबीआई का भी उसमें जो उसमें शेयर था। तो अभी देखिए अभी इसी पर टारगेट कर रही है ना एलआईसी और आईडीबीआई, जो कि आईडीबीआई कंपनी में भी एलआईसी का ही शेयर है, तो इस पर इनको टारगेट बना रखा है कि हाँ हमें इसमें सेल करना है। और अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें बेनिफिट्स की भी कह रहे हैं कि पॉलिसी होल्डर्स को मतलब इस पे इफिशियंसी आएगी, क्योंकि देखिए एक ऐसा होता है कि अभी जो एलआईसी का आप अगर ऐसे आप रेगुलरली आप उनसे अपना एनुअली रिपोर्ट नहीं ले सकते, कि उनका क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं देते, वो एनुअली देते हैं, और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे आईडीबीआई में अभी बात की, आईडीबीआई में कैसे इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, जो कंपनी लॉस में है उनमें इन्वेस्टमेंट उन्होंने कैसे कर दिया। तो अब इस पे जब ये अब सेबी के अंडर में इसका नाम आएगा, उसके बाद तब ये क्वेश्चन जब रेगुलरली इनको मेंटेन करना पड़ेगा, तो इस पे ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी आएगी तो कॉर्पोरेट के और ज़्यादा अगर बूस्ट करेगा उनका प्रॉफिट, तो जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको भी उस चीज़ का फायदा मिलेगा। तो ये इस पे एक अच्छा पॉइंट है। तो अगर अनाउंसमेंट एलआईसी के इस पे बात करें, तो अभी आप जैसे देख रहे हैं ना कि सॉवरेन गारंटी की सबसे पॉइंट आता है मेन, कि सॉवरेन गारंटी जो है वो कैसे, तो इस पे फाइनेंस मिनिस्टर जो इन्होंने अभी तक इस, हाँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने इस पे प्रोटेक्शन दिया कि अभी ये फाइनेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा। देखिए अभी जब फ्यूचर में 10 से 20 साल में जब गवर्नमेंट इस पे अपना ज़्यादा शेयर्स करेगी 51%, तो प्रॉब्लम आ सकती है, अभी तो इस पे कोई कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। और अभी भी इसमें एलआईसी एक्ट 1956 में और भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे डिविडेंड को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो बाद में भी जब आउटकम्स इस पे देखे जाएंगे किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं, तब इसमें देखा जाएगा कि हाँ और भी डेवलपमेंट पे फिर ध्यान दिया जाएगा कि हाँ कि क्या एलआईसी जो प्राइवेटाइजेशन की गवर्नमेंट कर रही है, तो उनके पॉलिसी होल्डर्स जो हैं उनको कंसर्न करने की जरूरत है कि नहीं है, अभी तो मतलब इस पे कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये था अभी हमारा इस पे डेवलपमेंट, इसका पूरा न्यूज एनालिसिस हमने डिस्कशन किया। अगर आपको इस पे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें, हम उसका सोल्यूशन उस पे देंगे, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।